हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि पुलिस यूनिफॉर्म की कटिंग कैसे की जाती है। पहले हम बताएंगे पहले वीडियो में कि आपको शर्ट की कटिंग कैसे करनी है। जो फिटिंग वाली शर्ट होती है उसकी हम कटिंग बताएंगे, एकदम जो एकदम फिटिंग होती है। एक तो नॉर्मल फिटिंग होती है, एकदम फुल फिट होती है जैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मेजरमेंट, सबसे मेजरमेंट इस स्क्रीन पर दिया हुआ, देख लेना आप। मेजरमेंट कटिंग बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस करनी है इस कपड़े को इस प्रकार से। जब शर्ट कटिंग करते हो तो आप इसको सीधी साइड से, ये सीधी साइड है, ये है उल्टी साइड, तो आप सीधी साइड से कटिंग करते हो तो ऊपर वाली पट्टी को फोल्ड करना है। अगर आप उल्टी साइड से जब कपड़ा फोल्ड करते हो, जैसे कि हमारा उल्टा साइड ये है, इसको आप ऊपर लेते हो तो नीचे वाले को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि अब ऊपर वाले फोल्ड करते हो ये बाएं हिस्से में ये आ जाना चाहिए। ऊपर वाला हिस्सा बाएं हिस्से में आता है, पट्टी वाला हिस्सा और काज वाला आता है दाएं हिस्से में। तो हम क्या करें, सीधा इससे कटिंग करते हैं और इसे एक हम कर देते हैं, निशान लगा देते हैं, सीधा निशान लगा देते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा निशान सीधा। अब हम कटिंग कर मेजरमेंट के हिसाब से ये जो करनी है हम निकाल देते हैं। तो हम सबसे पहले इसका लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है 26.5, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है, 26.5 27, क्योंकि 1/2 इंच नीचे फोल्डिंग होती है और 1/2 इंच ऊपर दवाई के लिए होती है। तो हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा 26.5 27 ले लेते हैं ये। अब हम क्या करें, कन्नी को निकाल देते हैं, ऊपर वाली कन्नी उसको निकाल देते हैं, नीचे वाले कन्नी को आप फोल्ड कर लेना। ये हमारी कन्नी कटिंग हो गई है, इस प्रकार से कन्नी को कटिंग कर लेना। फिर हम क्या करेंगे, इसको 1.5 इंच की पट्टी बनती है, 1.5 इंच की पट्टी बनती है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंच से 1 सूत कम ले लेते हैं, 3 इंच से 1 सूत कम ले लेते हैं, 3 इंच है, 1 सूत कम ले लेते हैं। यहाँ से भी हम 3 इंच, इसको इस प्रकार से फोल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। होगी प्रेस। अब दोबारा क्या करना है, इसी हिस्से को हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कट लगा देते हैं इस प्रकार से, और इसको दोबारा इसी प्रकार से इधर में फोल्ड कर देते हैं। इसको पूरा नीचे की साइड में दे देना है ताकि पूरी 1.5 इंच की पट्टी इसमें रह जाएगी इस प्रकार से। और फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसके प्रेस कर देते हैं। करने को क्या करें, हम इतना फोल्ड करके इसको प्रेस कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, पट्टी को फोल्ड कर लिया। और इसको अब हम क्या करेंगे, दोनों को इसको एक ऊपर नीचे कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं इसको। ये हमारा बराबर हो गया। अब ये निशान सीधा करके लगाया था, इस निशान को फिर दोबारा सीधा कर लेना और हमारे फिर मेजरमेंट के हिसाब से चलना है। अब हम 27.5 यहाँ से लिया था, 27.5, तो 27.5 से एक निशान लगा देना है। फिर हम आपको कंधा लेंगे, इसका कंधे डाउन करेंगे, इसका 35 है तो 9.25 चौथा इंच ले लेना है, या अगर आप 8.5 भी ले सकते तो चौथा इंच थोड़ा डाउन है, हम 8.5 भी ले सकते हैं, और 9 भी इतना इससे ज़्यादा 8.5 ले लेना है। फिर इस पर जो कमर का निशान लगाना है तो हम 16 इंच पे इधर लगा लेते हैं, 16 इंच पे। अभी हम सभी निशानों को अभी इधर भी ये निशान इधर भी लगा लेना है, 27.5 8.5 और 16 इंच पे लगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। प्रकार से सीधे कर लेने। अभी सीधे करने के बाद इधर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगाते हैं इसका तीरे का निशान। तीरा है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे तो 8.25, यहाँ से 8.25 का निशान लगा लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है इधर से। इसकी चेस्ट है 35, 35 का 4 इंच करेंगे तो 9.25 निशान लगा देना है, 9.25 पर, 2.25 पर, क्योंकि ये फिटिंग शर्ट है, इसमें 2.25 लेना है। ऐसे हम नॉर्मल शर्ट
छठ में जाकर 2.5 इंच लेते हैं, इसमें 1.25 ले लेना है। ये इतना कितना है अपना, 11 इंच है, 11 से 0.25 इंच कम कर लेना, इधर से 0.25 इंच कम करके एक निशान लगा देना है। और इधर देखो, इससे दवाई का आ जाएगा, और हमारा कितना है हिप है 36, तो ये आ जाएगा काज, ये वाले काज वाले आएगी, तो 36 हिसाब से इतना फोल्डिंग ये मार्जिन हो जाएगा, और इतना में 36 आ जाएगा। अब इस निशान से ये वाले 10.25, इस निशान से या तो आप क्या करना है 1 इंच कम कर देना है, या फिर हम क्या करेंगे इधर एक निशान लगा लेते हैं, ये निशान होगा बटन का, और हमारी है कमर है 31 इंच, तो 832 होते हैं, तो 31 इंच पर लगा निशान लगाएंगे, 0.8, 0.8 हो गया, ये होगा हमारा दबाई का, इस प्रकार से निशान लगा लेना है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, आधा इंच से अंदर की निशान, एक और निशान लगा लेते हैं, आधा इंच इसके अंदर की साइड में निशान लगा लेते हैं, जो ये निशान हमारा कितने का है, ये आ गया हमारा 9 से 0.9, तो 0.9 इधर आ जाएगा, ये 0.9, तो इस निशान को हम क्या करते हैं सीधा कर देते हैं, सीधा हो गया। अब हम क्या करें, गोलाई वाली पट्टी को लेते हैं और इस निशान को इस प्रकार से गोलाई में लगा देते हैं, इस प्रकार से। और यहाँ से क्या करेंगे हम 1.5 इंच ऊपर की साइड वो उठा देते हैं इसको, और इधर से इस प्रकार से लगाते हैं सर, तो हमारे यहाँ के गोलाई देगी इस प्रकार से कर देना। ये एकदम फिटिंग वाली होती है, जो यहाँ से कोई लूजिंग नहीं होती उसकी है। अभी एक निशान यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच का, हम नॉर्मल शर्ट में क्या करते हैं 2.5 इंच लेते हैं, 2 इंच लेते हैं, इसमें हम 1.5 इंच लेते हैं, और इसकी कॉलर का निशान लगा लेते हैं, कॉलर का निशान लगाना है 2.5 इंच का इधर से, और 2.5 इंच का 0.3 इंच का इधर से, तो ये आपको 14.5 की कॉलर बैठेगी। इस निशान को हम क्या करें सीधा कर देते हैं, इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं, और इसको गोलाई दे देते हैं, इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम क्या करेंगे, देखो इस निशान को इस निशान से टच कर देते हैं, ये हो गया। अभी इस निशान से ये निशान, क्योंकि हम इधर से इधर तिरछा करते हैं तो ये अंदर की साइड में जाता, तो अभी इस निशान से पट्टी रखेंगे सिर्फ पट्टी को, और ये जो हमारा निशान लगाया था 1/2 इंच के अंदर की साइड में, ये 1/2 इंच से अंदर की साइड में लगाया, ये इसीलिए लगाते हैं जो यहाँ की लूजिंग ना आए, और इसको हम क्या करेंगे आर की गोलाई दे देते हैं, इस प्रकार से गोलाई दे देंगे, ये हो गया, ये हो गया हमारे कटिंग, क्या कहते हैं इसको कटिंग कर देते हैं, कटिंग थोड़ी आराम से करना, हाथ रोक के करना है। ये होगा हमारा सामने का पार्ट कटिंग, अभी हम करेंगे बैक पार्ट कटिंग। बैक क्या करेंगे, इसी कपड़े को इस साइड कर देते हैं हम, इसको ऐसे सेट कर लेना, इस कपड़े को इस पर कर ऊपर ऐसे सेट कर देना, इस प्रकार से जो हमारे काज वाले हैं ये इधर काज आते हैं, इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लेना, इस प्रकार से ऐसे फोल्ड कर लेना, ये देखो हमारे काज वाले आएगी, तो इसको इस प्रकार से कर देना, और इसको जो ये है इसको हमारे क्या करेंगे, इसको सीधे हिसाब से निशान लगा लेते हैं इधर से इधर तक, हो गया। अभी हमारा 13 है, 16.5, 16.5 तो हम 8 2 16, 8 इंच, 8 इंच इधर आता है, 8 इंच इधर आएगा, 1/2 इंच हम क्या करेंगे मार्जिन का ले लेते हैं, जो सिलाई का जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या 0.9 के हिसाब से आ गया। अभी इस पट्टी से हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा तिरछा करके इसको निशान लगा देंगे इस प्रकार से, और इस निशान को इसे यहाँ गोलाई देते हुए मिला देंगे, और इसको हम क्या करेंगे कटिंग कर देते हैं इस प्रकार से।
अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देते हैं इधर से। ये वो सीधा, ये हमारी होगी थर्ड कटिंग। अभी हम क्या क्या करते हैं, बाजू कटिंग करते हैं। बाजू का इसी कपड़े को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, इस प्रकार से फोल्ड कर लेना। अब हमने क्या किया था, ये कर लिया था 8.5, तो यहाँ से क्या कर लेना, आपको 8.5 ले लेना है। 8.5 निशान लगा देना, और यहाँ से हम क्या करें 8.5 करके पूरा निशान लगा लेना इस प्रकार से, और 4 इंच इस प्रकार से ऊपरी साइड में लगा देना। ये अभी क्या, जब हमारी बाजू है ये 24, तो 24 हम क्या करें 1.5 इंच इसकी ऊपरी साइड में रख देते हैं, और 24 पे से इधर निशान लगा देते हैं 1.5 इंच छोड़ के, क्योंकि हमें जो कप रखते हैं वो 2.5 इंच के लगते हैं, तो 1.5 इंच छोड़ के हम क्या, आधा इंच इधर तक जाता है, आधा इंच इधर तक जाता है, और 2.5 इंच के कप लग जाते हैं, तो 2.5 इंच हो जाएगा, 1 इंच चला जाएगा, तो इसलिए हम 1.5 इंच छोड़ के 1.25, ये 1.5 इंच छोड़ के 24 पे, 24 पे इधर निशान लगा देंगे, और 6 इंच का इधर से फोल्ड लेंगे। अगर टाइट वाली बाजू चाहिए आपको तो 6.25 इंच का निशान लगा देना। यहाँ से जितनी आपकी बाजू की टाइटनेस है, जितनी आप चाहते हो उतनी ही इस यहाँ से लगा लेना है, या फिर हम क्या करेंगे, इससे फटे को इस प्रकार से रखेंगे और जैसे इस प्रकार से निशान लगा लेना। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लगा देते हैं, और इस निशान को इधर से ले लेना है, इसको इधर से गोलाई देते हुए इसको मिला देना है, इस प्रकार से बाजू इसको कटिंग कर देते हैं। ये होगी फुल बाजू की कटिंग। अगर दोस्तों आपको हाफ बाजू की कटिंग करनी है, आपको हाफ बाजू की कटिंग करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, ये हाफ इंच का, तो क्या है, हम ऊपर का दवाई का ले लेते हैं हाफ इंच का, और यहाँ से जितनी बाजू लेते हैं आप 9 इंच लो या 10 इंच लो, जितनी लेंगे हम क्या करें, 9 इंच सपोज 9 इंच ले ली, 9 इंच ले ली, तो हमें क्या करें 5.5 के निशान और ले लेना, 9 इंच पे इधर निशान लगा दें, 5.5 का निशान इधर लगा देना। जब आपकी पट्टी ये आएगा तो यहाँ से हम क्या 3 इंच का फोल्ड कर देते हैं, 3 इंच का फोल्ड कर देते हैं। अगर लेडीज़ की बना रहे हो आप तो 2.5 इंच का फोल्ड करना है, जेंट्स की बना 3 इंच का, लेडीज़ की बना 2.5 इंच का, या लेडीज 1.25 और 2.5 इंच का लेडीज का होता है, या 3 और 3.5 का जेंट्स का होता है, ये बात याद रखना है। ये हो गया, आगे से क्या करते हैं डाउन कर देते हैं, इस प्रकार से कटिंग कर लेना, कुट के लगा दिए, निशान हो गया।